अब मैं आपको बताता हूँ ये पिकनिक शुरू कैसे हुई। मैं सुबह पहुँचा स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्कूल क्यों पहुँचा। देखिए, हम स्कूल की तरफ से पिकनिक पे गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से टीचर्स को लिया, बच्चों को लिया और सीधा फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े हम। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि आइडियल फॉर्म के लिए निकल रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आप बस देख सकते हैं, बस हमारे साथ है और हम इंस्पायरेशन स्कूल की तरफ से इस वक्त हम सुबह तकरीबन कोई 9 बज रहे हैं और हम आइडियल फॉर्म के लिए निकल रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। स्कूल की पिकनिक में एक चीज तो कॉमन है, नैन मैट्रिक वाले तफरी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। वर्ल्ड ऑफ फॉर्टनाइट को सब्सक्राइब करें। सारे पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई कहानियां सुना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हमारे एक टीचर जो इस दिन क्या कर रहे हैं, मेरा मतलब है पिकनिक वाले दिन वो क्या कर रहे हैं आपके सामने। मतलब इस दिन भी काम चल रहा है, इस दिन भी पढ़ाई चल रही है, इस दिन भी रिसर्च चल रही है, स्क्रिप्ट चल रही है। मतलब इस टाइम को, इस सफर को, ये जो एक घंटा लगेगा, 1 से 2 घंटे लगेंगे फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए, तो इस टाइम को भी कीमती बनाना है। तो ऐसे होते हैं उस्ताद। तो जैसे ही हम फार्म हाउस पहुंचे तो वहां किसी ने आपके सामने, जैसे ही वहां पर पहुंचे हमने स्टूडेंट्स को लाइन अप करवा के एक इंस्ट्रक्शंस दी। हम इनको बता रहे हैं कि जीतते कैसे, जीतते कैसे हैं। नाउ ये जी बेटा, तू ये वहीं पे रहता है। हाँ वहीं रहता है, ये गेम में जाती है। ये आप देख रहे हैं सर फहीम को, ये अभी अभी लंदन से आए हैं। अभी आप देख सकते हैं ये अभी अभी जो है वो लंदन से ये अभी एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से डायरेक्ट ये आइडियल फार्म आए हैं। इसी इंजॉय ये
सर कैसा लग रहा है आपको? बेहतरीन लग रहा है, बहुत साफ सुथरा आइडियल फॉर्म है और पूल भी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी इत्तेफाक से बहुत अच्छा है कि ना बहुत ज्यादा सर्दी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरीन बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन। देखिये हर ग्रुप में कोई खास होता है, मतलब वो ग्रुप में ना हो तो मजा नहीं आता, तो हमारे स्टाफ में वो खासम खास सर फहीम है, सर फहीम ना हो तो मजा नहीं आता। जिस मजलिस में सर फहीम ना हो वो मजलिस मजलिस नहीं। अगर मैंने झूठ बोला तो मैं स्विमिंग पूल में डूब के मर जाऊंगा। खेल कूद के बाद जब नमाज का वक्त हुआ, सबको वजू करा के नमाज पढ़ाई गई, और नमाज के बाद खाना हुआ, और खाने के बाद बाइक वाला चले जाए बहुत जल्दी में, और खाने के बाद फिर से खेल कूद स्टार्ट हो गया। Slow Yorkers. Here we go. Change of pace. And guess what? It's out of here. Yeah. बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।